नमस्कार जी नमस्कार सर, हमारा यूट्यूब चैनल से है अर्बन किसान का नाम से, हैदराबाद से। अच्छा 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 हमारा यूट्यूब चैनल में बहुत ही किसान का फार्मिंग का और अच्छा अच्छा नस्ल का घोड़े का और बाइस का भी चलता है। अच्छा, मैं पुष्कर मेले में आके भी 4-5 दिन हो गया। अच्छा, और बहुत मैं खुशी हूँ आपको और आपका ये जानवर को देख के। हाँ हाँ हाँ, आप बता दीजिए आपका नाम, आप किधर से हैं? मैं एमपी से हूँ, यहाँ पे कंपटीशन के लिए लेके आया हूँ इसको। हाँ, गवर्नमेंट कंपटीशन है, अभी ब्रीड कंपटीशन है यहाँ पे, उसके लिए लेके आया हूँ, एमपी से आया हूँ। हाँ, एमपी से। और ये क्या है सर, कौन सा नस्ल के? ये जाफराबादी नस्ल है। जाफराबादी? हाँ, सबसे ज़्यादा ये नस्ल गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में? हाँ। अभी गुजरात से लेके आया? मैं बच्चा लेके आया था। बच्चा? हाँ, तो इसको मैंने बच्चा लेके आया, मैं लगभग इसकी माँ को लेके आया था। इसके माँ को? हाँ, तो ये बच्चा ही था, तो इसको माँ के साथ लेके आया था, तो ये बड़ा करा फिर उसको। तो फिलहाल में इसकी उम्र 6 साल है, अभी 6 साल, 6 साल के लगभग है ये। इसका कुछ बोलते, बच्चा हुआ था? कितना बच्चा हुआ था इसका? इसके अभी फिलहाल क्रॉसिंग के लिए देते हैं आप? हाँ, क्रॉसिंग के लिए जाता है, इसका सीमेन तो नहीं जाता है, भैंसी आती है वहाँ पे हमारे पास ही। सीमेन सेंटर तो नहीं है हमारे पास? सीमेन सेंटर नहीं, सीमेन सेंटर नहीं है हमारे पास, आती है भैंसे। अभी तक कितना बच्चे पैदा हुआ? इससे लगभग लगभग 3 साल से, 3 साल के हिसाब चल रहा है इसका, मतलब 3 साल तो इसको बड़े होने में लगा था, 3 साल से चल रहा है इसका सीमेन, तो कितने ही आ गए होंगे वो तो। अब हो सके इससे बड़े भी खड़े हो गए हों, ज़्यादा हो गए हों। अभी हैदराबाद में कुछ आपने इसका सीमेन नहीं तो कुछ क्रॉसिंग जानवर कुछ आया ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, हैदराबाद में नहीं हो पाया है अभी भी। किधर किधर गया था? ये सिर्फ गुजरात ही गया है, इस बार मैं राजस्थान लेके आया हूँ इसको अपने यहाँ पे। इसका क्या खासियत क्या रहता है? ये इसकी इसका माँ का रिकॉर्ड था 28 किलो 930 ग्राम। 28 किलो 930 ग्राम दूध का इसकी माँ का रिकॉर्ड था। तो अब जैसे इसकी बच्ची आती है तो इसकी खासियत ये है कि ये 28 प्लस में रहे। हाँ, और रहती भी है, मेरे पास है इसकी, तो 28 प्लस में ही है वो, और बहुत शांत है, बहुत शांत है, कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ अपने नाम से मतलब है, उसका नाम है भूरा। जैसे कि YouTube चैनल में बहुत सारा YouTube चैनल में हम भी देखते रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं। हाँ, देखते ना। जाफराबादी जो ये भैंस है, हाँ, थोड़ा डिफरेंट इससे देखे तो, उसको कंपेयर करे तो बहुत डिफरेंस स्ट्रक्चर में इसका नहीं, इसमें क्या है, वजन में बहुत अंतर है। इसमें कैसा है? इसमें क्या है, इसमें तीन ब्रीड मिक्स है। तीन ब्रीड मिक्स है। एक तो जाफराबादी में एक जाफराबादी आती है, एक गिर जाफराबादी आती है, और एक टोपली जाफराबादी आती है। टोपली? हाँ, तो इसमें तीनों है। ओरिजिनल जाफराबादी है? हाँ। गिर जाफराबादी है? हाँ। और टोपली जाफराबादी? हाँ। तीनों मिला के है? तो तीनों मिला के है ये। इसमें मतलब टोपली का देखा जाए तो इसका जो सर है ये टोपली में आ गया। ये टोपली है? हाँ, ये टोपली जाफराबादी में आ गया। इसके सींग पे जाओ तो ये गिर में आ गया। हाँ, और इसका बॉडी स्ट्रक्चर पे पीछे की साइड जाओ तो ये जाफराबादी में आ गया हाइट पे। बराबर सर, बराबर। आप बताए तो मेरे को ये इंफॉर्मेशन पक्का है सर। ऐसा है, इसका तीन ब्रीड का है ये, नहीं तो जाफराबादी के कोई जो मतलब सिर्फ जाफराबादी रहता है उसका सिर्फ सींग बड़े रहते हैं। सही है, सींग बहुत बड़े रहते हैं। ये गिर में है, इसके सींग गिर में आ गए, इसका सर आ गया है टोपली जाफराबादी में। वैसे कि इसका फीड का खर्चा कैसा, कितना आता है, क्या है? ये इसका फीड का भैया लगभग लगभग मंथली इसका खर्च आ जाता है, कम से नहीं कम बताऊं तो 35 से 40 हज़ार रुपए के लगभग मंथली में। 40 हज़ार? हाँ। तो ये क्या है, नॉर्मल फार्मर के लिए एडवाइजेबल है? नहीं, नॉर्मल भी रख सकता है, देखो कोई इतना विशेष नहीं है। अब मेरे पास तो फिलहाल क्या है, सर्दियों में तो इसको मैं एक खिलाता हूँ अंडे देसी। हाँ।